हरे कृष्णा, भगवान को भोग लग के तैयार हो गया हमारा काशी प्रसाद। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि। हरे कृष्णा, आज हम लोग इकासी सामा राइस की खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें सामा चावल, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च, काली मिर्च, सेंधा नमक, साबुत जीरा और सनफ्लावर ऑयल या घी ले सकते हैं। तो हम लोग कुकर में सनफ्लावर ऑयल डालेंगे, उसको गरम होने देंगे। गरम होने के बाद हम लोग जीरा डालेंगे, थोड़ा सा वो सुनहरा कलर आ जाए तो उसके बाद हम लोग हरी मिर्च, शिमला मिर्च डालेंगे और 2 मिनट के लिए उसे चलाएंगे, थोड़ा सा उसको पका लेंगे। और उसके बाद हम लोग टमाटर डालेंगे, टमाटर को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और हम लोग नमक डालेंगे और फिर चलाएंगे उसे। इससे टमाटर अच्छी तरह वो पक जाएंगे नमक डालने से ना। इसमें हम लोग काली मिर्च भी डाल देंगे और उसे चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग सामा चावल डालेंगे, सामा चावल डाल के फिर हम लोग उसको हल्की चलाएंगे और सारा एक साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें पानी डालना है। हम लोगों ने डेढ़ ग्लास सामा चावल लिया था और इसमें 4 से 5 ग्लास पानी डालेंगे और इसे चला के फिर कुकर को बंद कर देंगे और एक सीटी में ये सामा चावल रेडी हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे इकासी खीर सामा राइस की। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। हम लोग 1 लीटर दूध लेंगे, उसमें 1 कप सामा राइस लेंगे, चीनी 1 कप, काजू किशमिश और भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, इलायची। दूध को पहले उबाल लेंगे। उबलने के बाद हम लोग सावा चावल भिगो के रखे हुए थे उसे हम लोग दूध में डालेंगे और फिर हम लोग उसे चलाएंगे। ये 5-10 मिनट उसे पकने देंगे। जब सावा चावल पक जाए तो हम लोग उसमें चीनी डालेंगे और चला लेंगे। फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, छुआरा आपके पास जो अवेलेबल हो और इलायची पाउडर। और हमारा सावा खीर रेडी है। देखिए ये पूरी तरह से पक चुकी है अच्छी से। अब हम लोग जा रहे हैं एक चटनी बनाने धनिया पत्ते की। आइए हम लोग जान लें इसमें क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले हम लोग टमाटर ले लेंगे, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, नींबू,
और सेंधा नमक। तो हम लोग टमाटर को मिक्सर में डालेंगे और 5 से 7 तक हरी मिर्च ले लेंगे और धनिया पत्ता डालेंगे और हम लोग इसे पीस लेंगे। धनिया पत्ता को और जो भी धनिया पत्ता बचे हुए उसे भी डालकर हम लोग इसमें पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा। तो ये हमारा धनिया की चटनी रेडी हो गई है। इसे हम कटोरे में निकाल लेंगे। इसमें सेंधा नमक और नींबू डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये लीजिए, हमारा धनिया का चटनी तैयार हो गया है। आइए अब हम लोग इकासी पकौड़ा बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग 10 से 12 आलू बॉयल ले लेंगे, 1 कप साबूदाना फुला हुआ, आधा घंटा पहले हम लोग फुला लेंगे, फिर कट्टू आटा, सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च और धनिया पत्ता और सनफ्लावर ऑयल या घी भी ले सकते हैं। आइए हम लोग आलू मैश कर लें अच्छी तरह से। आलू को हम लोग अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, उसमें साबूदाना डालेंगे जो हम लोगों ने फूलने के लिए दिया था, साबूदाना डालेंगे, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, गोलकी पाउडर, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, कट्टू आटा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो कि हमारा पकौड़ा क्रिस्पी उतरे। तो हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। तेल को हमको गरम कर लेना है हाई फ्लेम पे, फिर उसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। पकौड़े को टिक्की शेप में तैयार कर लेंगे। हम लोगों ने कुछ पकौड़े रेडी कर लिए हैं टिक्की शेप में। आइए उसे हम लोग तेल में डालेंगे। जब हम लोग डालें तो उसको लो फ्लेम पे कर लेंगे, फिर 1-2 मिनट के बाद उसे हाई फ्लेम पे करके, क्योंकि वो हाई फ्लेम पे कर लेंगे क्योंकि तेल ना पी ले। ये है सनफ्लावर ऑयल जिसे हम लोगों ने यूज़ कर रहे हैं। इसे थोड़ा सा सुनहरा रंग आने दें, देखिए इसमें सुनहरा रंग आ रहा है, ये हल्का और लाल होगा। हमारा पकौड़ा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं। ये सावा चावल भगवान के कटोरे में, भगवान को भोग लगाने को थाली को सजाएंगे। सावा चावल, खीर, पकौड़ा, चटनी, जल और सब में तुलसी पात्र डाल के भगवान को भोग लगाने के लिए ले जाएंगे।